प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2011 में सामाजिक आर्थिक जो ये सर्वे हुआ था उसमें जो गरीब चिन्हित हुए थे उनकी एक सूची हम लोगों को केंद्र सरकार से प्राप्त हुई थी। उसका हम लोग पूरी सूची का प्रिंट निकाल के जो उस वक्त के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे होंगे सारी जांच करा ली गई है। अब क्या होता है कि हर वित्तीय वर्ष का इस टारगेट आता है, हम लोग टारगेट के अकॉर्डिंग ऊपर से नाम लेते हैं और लाभ देते जाते हैं। तो जिनका भी उस सूची में नाम होगा उसको टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे देते जाएंगे। तो यदि आपको आवास का लाभ नहीं मिला है तो आप अपना एक आवेदन प्रखंड कार्यालय में दे सकते हैं, हम लोग उसको चेक करा लेंगे कि वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। यदि वेटिंग लिस्ट में आपका उस सूची में आपका नाम नहीं है तो भी आपके आवेदन को प्रखंड कार्यालय में हम लोग एक पंजी में लिख लेंगे, रजिस्टर में लिख लेंगे। और जब हम लोगों को आएगा कि ऐसा कि आप फिर से और सर्वे करके हमको दीजिए कि और कितने लोग छूटे हुए हैं जिनको कि आवास योजना का लाभ देना है, सूची से जुरेट करने के बाद तब हम लोग फिर उस पर भी आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ उससे सभी लोग फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एमओ साहब इधर रहिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी आपको लाभ मिलता है। अभी चक्की प्रखंड के लिए 3 लोगों का नाम आया था, उसको भी हम लोगों ने जांच किया है और जांच करके 3 लोगों को लाभ दिया है। उसमें और भी अन्य पंचायतों के हैं। साथ ही एक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना है, इसमें वैसे आवास जो कि 2011 के पहले बने हुए थे और किसी वजह से वो आवास खराब हो गए हैं या किसी वजह से वो अपना आवास उस वक्त भी आधा अधूरा बना के छोड़ दिया था, कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो वैसे आवासों को पूरा करने के लिए भी हम लोग 50,000 की राशि देते हैं। उसका भी टारगेट जैसे ही हम लोग को स्टेट से मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। अभी आप ही के बीच में से एक जन को मिला हुआ है जिनका नाम ये DDC सर ने लिया भी था। तो जैसे जैसे टारगेट प्रखंड को मिलता है हम लोग काम करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप आवेदन के साथ प्रखंड कार्यालय आ सकते हैं, हम लोग सूची में दिखवा के आपको आपकी वस्तु स्थिति देखिए। इसका स्पष्ट है, वीडियो मैडम ने बताया है कि आवास का मतलब मेरे पास दौड़िएगा मुखिया जी के यहाँ जाइएगा तो नहीं मिलेगा, किसी के यहाँ जाने से लाभ नहीं मिलेगा। जो इसका तरीका है, प्रक्रिया है, सूची बनी हुई है। एक हो सकता है कि आप लोग कहते हैं गलत नाम जुड़ा हुआ है, उसके लिए जाँच होता है। जिनके पास मान लीजिए मेरा पक्का का मकान है और मेरा सूची में कहीं से नाम आ गया उसमें, उसकी जाँच होगी फिर हम आपको छाँट देंगे। और इसमें जनप्रतिनिधि भी है, आपका सहयोग भी अपेक्षित है। आपको यह नहीं देखना है कि हमारे वोटर हैं या नहीं है, अगर गलत आदमी है सूची में नाम जुड़ा हुआ है तो उनको आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और आपके कहने पर ही नहीं छटेगा जुड़ेगा, हम उसकी जांच करा लेंगे, वीडियो साहब जांच करा लेंगे उसका होगा। जहां तक बात रही कि देखने में भी लग रहा है कि बेघर आदमी है तो सूची में नाम नहीं है, तो कुछ मजबूरियाँ हैं जैसा कि वीडियो मैडम ने बताया, आप आवेदन कर दीजिए। जैसे ही नई सूची बनाने का हमको विंडो खुलता है, अधिकार मिलता है, हम उनको लेकर के सूची में जोड़ देंगे। फिर जितनी राशि आती है, अब एक आदमी को मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपया देना है, हमको आया है 4×6, अब 6 लाख रुपया आया हुआ तो जाहिर सी बात है कि 4 लोगों को ही लाभ मिलेगा। 44 तक मिल चुका है तो 4 लोगों का जोड़ लीजिए, 45, 46, 47, 48 नंबर तक जाएगा। अब इसमें कोई एक लाभ ऐसा हो सकता है जिनका गलत आदमी का चयन हुआ है तो उनका नाम हट जाएगा, फिर 49वां तक जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है, इसके लिए आप दौड़ धूप करेंगे। बहुत लोग, इन्होंने सनी जी तो बहुत जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, तो ये गुमराह आपको नहीं करेंगे। बहुत सारे बिचौलिए भी हवा में तैरते रहते हैं, चलो तुम्हारा काम को आकर के हम दिवा दें, तो आप सरकार के प्रति आपकी एक छवि भी धूमिल होती है कि फलनवा क्या गए, पैसा लग गया, नहीं मिला। तो जानकारी के अभाव में हम बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं। अब राशन कार्ड के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों का जेन्युइन इशू है, लोगों को आज भी हमको यही लगता है कि उसमें लगने में कोई दिक्कत नहीं है कि मुखिया जी जगह का चयन को राशन कार्ड बन जी जगह का चयन ना बोले, ऐसा बात नहीं है। RTPS काउंटर खुला हुआ है आपको और जानकारी है, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। एमओ साहब बैठे हुए हैं, इनका नाम नंबर नोट कर लीजिए। एमओ साहब बताइए राशन कार्ड का क्या तरीका होता है, बताइए विस्तार से बताइए कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है, बताइए। राशन कार्ड के लिए आपको दो तरह से आवेदन करना होता है, एक तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, RTPS जो काउंटर होता है प्रखंड का, उस पर आप जाकर फॉर्म भरेंगे और जमा कर देंगे। और दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन जो है आप वेबसाइट जो है आप नोट कर लीजिए, epds.bihar.gov.in पर जाकर आप आवेदन करेंगे
उसके पश्चात आवेदन करने के पश्चात आपकी पात्रता की जांच होगी प्रॉपर, और उसके बाद आपका राशन कार्ड निर्गत कर दिया जाएगा। धन्यवाद।